Once again, very good morning, everyone. Quickly, first most important thing is if anyone having any doubts from the previous topic, that means whatever we have learned yesterday, you just quickly ask, just write the question number or exercise number so that we can discuss about that. किसी को अगर कुछ है question, doubts है पूछना है आप पहले पूछ ले अदरवाइज उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उस पे हमने कल का डेट में जो पढ़ा है दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू ड्रॉ द लाइन सेगमेंट हाउ टू मेजर द लाइन सेगमेंट एंड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन हाउ टू फाइंड द पैरामीटर्स एंड ऑल एंड बेस्ड ऑन द चैप्टर नंबर 13 विच वी आर डूइंग Up to 13.3 we have done. So 13.2 or 3 or even activity also we have done yesterday. So वहां तक अगर किसी को कुछ doubt है तो आप quickly पूछें. After then today we will move to the plane figure. दो तरह का figure होता है. एक तो plane figure होता है और एक होता है three dimensional figure जिसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दोनों आ जाता है जैसे क्यूब क्यूबॉइड वो सारी चीजें हैं तो आज हम लोग बेसिकली सिर्फ जो प्लेन फिगर में आता है जिसको हम लोग पेज में ड्रॉ करते हैं नॉर्मली लेंथ और ब्रेथ होता है सो आई कैन सी मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग नो डाउट्स ओनली सो कंसिडरिंग दैट लेट अस प्रोसीड विद फर्दर विद द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव अबाउट द प्लेन फिगर ओके So, if we are talking about plane figure, whatever in your syllabus which we have, only four types of plane figure which we have, and you all are aware about these all four types of plane figure, okay? Starting with the square, then rectangle and triangle and circle. So, ये चार plane figure के बारे में आप लोगों का syllabus में हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना ये है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट दिस ये चैप्टर अगर देखा जाए आपको बहुत डीपली सोचना पड़ेगा यू हैव टू थिंक वेरी डीपली अबाउट दिस चैप्टर क्योंकि इस चैप्टर में आपको वेरी आपको बहुत ध्यान से जो है काउंट करना है हाउ मच स्क्वायर और हाउ मच सर्कल और हाउ मच रेक्टेंगल्स आर देयर इन ए पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप तो आपको बहुत ही सोच समझ के जो है काउंटिंग करना है चेक करना है कि कितना कितना जो है रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप या सर्कुलर शेप एक पर्टिकुलर फिगर के अंदर है या एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप में है ठीक है तो लेट अस डू अ फर्स्ट क्विक रिवीजन व्हाट आर द प्लेन फिगर ओके सो द टॉपिक इज प्लेन figures प्लेन फिगर्स मतलब होता है वैसा फिगर जिसको हम लोग नॉर्मली प्लेन में ड्रॉ करते हैं और जिसका सिर्फ एक जो है पेज में या इस तरह से बोर्ड में हम लोग लिख सकते हैं स्टार्टिंग विद द रेक्टेंगल पहले सबसे पहले प्लेन फिगर जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज रेक्टेंगल सो रेक्टेंगल जो होता है वो किस तरह से होता है दैट इज ए पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप हुज ऑपोजिट एज इसको एज बोलते हैं हम लोग अगर ये बुक का बात करें तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप का बुक है क्योंकि इसका और इसका जो ऑपोजिट एज है ये दोनों सेम होता है और ये ऑपोजिट एज और ये ऑपोजिट एज इसका ऑपोजिट ये एज है तो ये दोनों सेम होता है तो इस तरह का शेप को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर शेप ओके तो अगर हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करना चाहेंगे तो इसका मतलब इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है इस तरह से जो भी शेप होगा दैट विल बी ऑफ रेक्टेंगुलर शेप ठीक है तो इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगल अब इसमें हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करते हैं हमने पढ़ा था वर्टेक्स ओके वर्टेक्स और वर्टिसेस जिसको बोलते हैं दीज आर द वर्टेक्स और वर्टिसेस सो हाउ मेनी वर्टेक्स और वर्टिसेस आर देयर इन ए रेक्टेंगल कितना वर्टेक्स और वर्टिसेस होता है ना देयर आर फोर वन टू थ्री
4, ठीक है, 4 वर्टिसेस और 4 वर्टेक्स होता है एक रेक्टेंगल में। अब अगर हम लोग साइड का बात करें तो ये सारे जो है इसको साइड्स बोला जाता है। तो कितना साइड्स होता है एक रेक्टेंगल में, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 जो है वो वर्टेक्स जिसको बोलते हैं या पॉइंट जिसको बोलते हैं, 4 वर्टेक्स होता है, ठीक है, 4 साइड होता है। अब जो है यहाँ पे और क्या चीज हम लोग का समझना है, साइड्स हो गया, वर्टिसेस हो गया, एंड इसका जो ऑपोजिट एज होता है ये जो है ये इक्वल होता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो 3 थिंग्स अबाउट द रेक्टेंगल यू नीड टू कीप इन माइंड, 3 चीज आपको ध्यान रखना है। एक तो रेक्टेंगल जो होता है देयर आर 4 पॉइंट्स और 4 वर्टिसेस व्हिच ए रेक्टेंगल हैव, आफ्टर देन देयर आर 4 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल हैव, एंड आफ्टर देन द ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एज जिसको बोलते हैं दीज आर इक्वल। तो इसका ये इक्वल, इसका ये इक्वल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल के बारे में सभी को समझ में आ गया? यस, एग्जैक्टली। सो नाउ वी मूव टू द स्क्वायर शेप। ओके, अभी हम लोग स्क्वायर पे मूव करेंगे। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप विच वी हैव इज ए स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर जो होता है वो इस तरह का एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसका लेंथ ब्रेथ जो होता है वो सारा सेम होता है, मतलब ऑल द साइड्स मेजरमेंट विल बी ऑफ इक्वल लेंथ। तो आप अगर एग्जांपल का बात करो तो इस तरह से कुछ भी शेप हो सकता है जिसका जो कि स्क्वायर शेप में है। अगर हम लोग इसका ये वाला पार्ट का बात करें, इसमें भी लेंथ ज्यादा है, तो ये चारों साइड जो होता है ये सेम अगर है देन वी विल से दैट इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें नियर अबाउट सब सेम है, लेकिन फिर भी अगर एक्चुअली मेजरमेंट करोगे तो दिस इज ए रेक्टेंगुलर शेप, क्योंकि यहाँ पे और ये 3D है, ये 2D नहीं है। तो इस तरह से सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना ये है इन केस ऑफ स्क्वायर कि स्क्वायर जो होता है दिस लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स आर सेम। सो यहाँ पे ये जो है दिस टाइप ऑफ शेप विल बी देयर वेर इन ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो इसका जो भी लेंथ होगा सारा साइड अगर 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो इसमें जो चीजें होता है जो वैल्यूज होता है वो भी एक एक जो हम लोग का रेक्टेंगल का केस होता है उसी के जैसा है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग का साइड्स कितना हो जाएगा, साइड्स हम लोग का कितना है 1, 2, 3, 4, तो इसका भी 4 साइड्स है, ठीक है। अगर हम लोग उसके अलावा इसका वर्टेक्स या कॉर्नर्स का बात करें, वर्टिसेस होगा एक से ज्यादा है तो कितना है 1, 2, 3, 4, तो वर्टिसेस 4 है। उसके अलावा हम लोग का ये जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में जो सारा साइड होता है वो इक्वल लेंथ होता है, ठीक है। तो इसमें ये हम लोग लिख सकते हैं ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, इसका मतलब ये सारा साइड का लेंथ इक्वल होता है। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, स्क्वायर में सारा साइड इक्वल होता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप व्हिच वी हैव दैट इज ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल क्यों बोला जाता है, क्योंकि देयर आर 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हैव, दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। तो यहां पे हम लोग अभी ट्रायंगल पे मूव करते हैं जो कि इस तरह से हम लोग उतना डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस ऑल शेप्स। तो यहां पे आप देख सकते हो दीज आर द एंगल्स, यहां पे एक एंगल है, यहां पे एक एंगल है और यहां पे एक एंगल है, दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ ट्राई एंगल एंड दिस हैज 3 साइड्स आल्सो। तो यहां पे भी अगर हम लोग बात करें साइड्स का, साइड्स हमारे पास 3 है, देन अगर हम लोग बात करें वर्टिसेस का तो हम लोग के पास 3 वर्टिसेस भी है, और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें
इसके अलावा हम लोग का जो ट्राइंगल होता है, थ्री साइड्स हो गया, थ्री वर्टिसेस हो गया, हाँ, इसका जो साइड होता है वो अब वेरी करता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि ये तीनों साइड सेम हो. ये तीन तरह का ट्राइंगल भी होता है. एक्चुअली ट्राइंगल को दो तरीके से डिवाइड करते हैं हम लोग, एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल एंड एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स. तो साइड्स यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि सारा साइड इक्वल हो. इस केस में सारा साइड इक्वल भी हो सकता है, सेकेंड केस में कोई दो साइड इक्वल हो सकता है, तीसरा साइड अलग हो सकता है, एंड थर्ड केस में सारा साइड अलग अलग लेंथ का हो सकता है. तो तीनों केस इसमें हो सकता है एंड देयर इज नो एनी पर्टिकुलर मेजरमेंट. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस जियोमेट्रिकल फिगर. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द सर्कल. सर्कल जो होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं. तो सर्कल का अगर बात करें, इस तरह से सर्कुलर शेप होता है, ठीक है, इसका एक सेंटर होता है इस तरह से. तो अब हम लोग का जो जियोमेट्रिकल शेप है ये है सर्कल. इसमें ना ही कोई वर्टेक्स होता है, ना ही कोई साइड होता है, लेकिन इसका एक सरफेस होता है, दैट इज द कर्व सरफेस. इसका एक सरफेस होता है सिर्फ, ठीक है. तो इसमें साइड अगर पूछा जाता है तो जीरो होगा या नो साइड होगा, ठीक है. उसके बाद इसका वर्टिसेस पूछा जाता है या वर्टेक्स पूछा जाता है, वो भी जीरो होगा या नो होगा, ठीक है. और अगर फेस पूछा जाता है तो आप बोल सकते हो देयर इज ए वन कर्व फेस, ओके, और जिसको सरफेस भी बोला जाता है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द जियोमेट्रिकल फिगर और प्लेन फिगर विच वी हैव इन आवर सिलेबस. नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द क्वेश्चन. द क्वेश्चन विच वी हैव related to that is the most important thing to understand how we can count down or how we can count how many geometrical shapes are there. तो ये जो है ये तो बहुत easy introduction था, लेकिन exercise में जो question है that is something different. तो जैसे कि सबसे पहला question पे हम लोग जाते हैं. exercise 13.4 का जो first question है that is टाइप ऑफ लाइक दिस. इस तरह से आपका फिगर बना हुआ है एंड यू हैव टू काउंट डाउन दैट हाउ मच ज्योमेट्रिक हाउ मच रेक्टेंगल्स आर देयर, ठीक है. सो राइट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स. तो यहाँ पे बीच में हम लोग का जो है इस तरह से बना हुआ है एंड यू हैव टू नाउ टेल हाउ मच रेक्टेंगल्स आर देयर. सो क्विकली कैन एनीवन टेल मी हाउ मच रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस. जल्दी से सभी मैसेज में बताएं कितना रेक्टेंगल्स इसमें है. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन काउंट करेक्टली. ये 13.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिस इज दैट ओनली. सो क्विकली टेल मी हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर. यहाँ पे कितना रेक्टेंगल्स है ये आपको बताने हैं. I am getting answer as like 5, 6, 11 like that. So let me see who can answer correctly. So if we count down, let us try to count the number of square. चलिए हम लोग काउंट करने का कोशिश करते हैं. काउंट करने के लिए हम लोग रेक्टेंगल को जो है नेम करेंगे. सबसे पहले नेम लिखेंगे रेक्टेंगल में या तो नंबर लिखेंगे. तो हम मान लीजिए इस तरह से काउंट कर रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए बी सी डी ई एफ. सो हेयर सिक्स रेक्टेंगल्स आर देयर, राइट. छह रेक्टेंगल यहाँ पे है ही नॉर्मली. उसके अलावा हम लोग का और भी रेक्टेंगल्स है, तो कैसे वो हम लोग काउंट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है. आप देख सकते हो इज दिस ऑल्सो ए रेक्टेंगल. ये सारा को अगर हम मिला लेंगे ए बी डी एंड ई, क्या ये सारा भी एक रेक्टेंगल है? Obviously, ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप ही है. उसके अलावा इसको अगर आप मिला लेते हो BE ऊपर वाला पार्ट छोड़ के, क्या ये भी एक रेक्टेंगल है?
These all B E C F. तो इस तरह से अगर आप देखोगे ये तो 6 हो गया, इसके अलावा 7, 8, तो टोटल इसमें जो रेक्टेंगल होगा वो 8 या 8 से ज्यादा भी होगा, क्योंकि आप अगर इसको और डीपली सोचो और इसको काउंट करो तो आपको और भी ज्यादा रेक्टेंगुलर शेप जो है इसमें मिल सकता है. ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, सेकेंड वाला अगर फिगर देखें, लेट अस सी हाउ मच आर देयर. सेकेंड ज्योमेट्रिकल फिगर और सेकेंड प्लेन फिगर विच वी हैव इज लाइक दिस, इस तरह से ही है. अब इसमें सिर्फ जो है दो पार्टीशंस है, सो यहां पे इस तरह से ये बनाए हुए हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग चलिए काउंट करते हैं इसमें कितना निकल के आता है. एक तो हम लोग उस तरह से देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तो हो ही गया, उसके अलावा और कितना हो सकता है. देखिए 9 के बाद एक तो हो गया ये 10, ये ऊपर वाला दोनों मिला के ये 10 हो गया. अब ये जो है नीचे वाला 11 हो गया, 10, 11 हो गया. ठीक है, सो 9 प्लस 2 प्लस और कितना आ सकता है, देखिए 1 इस तरह से भी हो सकता है, ये 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 और ये चारों को लेकर के. ठीक है, और एक जो है ये चारों को लेकर भी आ सकता है. ठीक है, उसी तरह से एक जो है ये चारों को लेकर के आ सकता है, नीचे का चारों को. ठीक है, और उसी तरह से और इधर का चारों को लेकर के आ सकता है. तो इस तरह से बहुत सारा रेक्टेंगल जो है बन सकता है इस तरह का शेप्स में. आपको जस्ट काउंट डाउन करना है अपने से कि कितना निकल के आ रहा है, जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है दैट विल बी द आंसर. ओके, तो इस तरह से सेकंड वाला में आप लोग देखोगे टोटल कितना आ रहा है एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन राइट. ओके, तो यहां पे एज पर माय काउंटिंग इट्स 8 प्लस 9 प्लस 2 11, देन आउट ऑफ दिस 4 11 प्लस 1 इज 12, देन 13 14 15, और भी काउंटिंग करने से इसका निकल सकता है, तो 15 तो है ही मिनिमम. ठीक है, तो इन दिस वे यू हैव टू काउंट द रेस्ट ऑफ ऑल. अब जो है अगर हम लोग थर्ड का बात करें, थर्ड का थोड़ा सा अलग है क्योंकि वहां पे स्क्वायर शेप भी दिया हुआ है, तो आप स्क्वायर को काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पे रेक्टेंगल पूछा गया है सिर्फ. तो अगर थर्ड का बात करें दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, तो वहां पे स्क्वायर को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इस तरह से शेप दिए हुए हैं. सो इस तरह से शेप दिए हुए हैं जिसमें स्क्वायर शेप भी है. ठीक है, तो ये है इस तरह से है, 1, 2, 3 इस तरह से है. तो आप ये देख सकते हो कि आप इसको जो है सिंगल वाला को काउंट नहीं कर सकते हो बिकॉज दीज आर द स्क्वायर शेप. ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए हम लोग जो काउंट करेंगे दैट इज वी विल काउंट लाइक दिस, ये काउंट कर सकते हैं, ये दोनों को मिला के एक रेक्टेंगुलर शेप बनेगा. ठीक है, उसके अलावा ये दोनों को मिला के भी एक बनेगा. ठीक है, उसके अलावा ये दोनों को मिला के एक बनेगा, उसके अलावा ये लास्ट दोनों को मिला के एक बनेगा, लेकिन चार को मिला के नहीं बनेगा क्योंकि चारों स्क्वायर है, चारों को मिलाओगे तो ये भी एक स्क्वायर शेप ही हो जाएगा. तो अगर आप इस तरह से बोलोगे कि दिस विल ऑल्सो बी, विच इज रॉन्ग, ये चारों मिला के एक स्क्वायर हो जाएगा ना कि रेक्टेंगल होगा. ठीक है, तो आपको रेक्टेंगुलर शेप के लिए एक तो ये मिल जाएगा 1, देन एक ये मिल जाएगा 2, देन एक ये मिल जाएगा 3, उसके अलावा इधर से भी मिलेगा एक ये 4, देन 5, देन 6, देन 7. इस तरह से आपको काउंट करके चेक करना है कि कितना आ रहा है. इसमें आई थिंक 7 आ रहा है थर्ड वाला में. ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू कैन काउंट डाउन हाउ मच रेक्टेंगुलर शेप्स आर देयर. ठीक है, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों जो है, स्पेशली फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन, ये बेस्ड ऑन आपका एक्सपीरियंस है. इसमें इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका आंसर सेम आएगा, ये आपको सोचना है कि कितना आप काउंट डाउन कर सकते हो और उसके हिसाब से लिखना है.
ठीक है, तो आप खुद काउंट करोगे कितना आ रहा है और उसके हिसाब से लिखोगे, आफ्टर देन वी विल डिस्कस फर्दर इन नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा इसमें हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट है, अगर अच्छे से नहीं करोगे तो बहुत सारा मिस्टेक्स होता है, ठीक है। तो आज के लिए स्पेशली हम लोग ज्योमेट्रिकल जो प्लेन फिगर है उसको अच्छे से डिस्कस किए। एक्सरसाइज 13.4 आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ मोर क्वेश्चंस आल्सो विच वी नीड टू लर्न अबाउट प्रॉपरली, विच वी नीड टू काउंट डाउन प्रॉपरली। ओके, थैंक यू एवरीवन। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्लास।